सुने हैं। लक्ष्य का टाइम जैसे सदस्य साहब ने बताया दिया जाएगा, कम बांटने की चीज नहीं, फिर भी दोस्तों एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। आज इस मालवे भी में मैंने यहां पर जो आकर महसूस किया, 1984 में अशरफ हुसैन भट्टी उस वक्त बी कॉम में उन्होंने वार्ड 1 में दाखिला लिया था और मैं 1984 में मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर यहां उन्होंने मेरा आकर एडमिशन करवाया। अशरफ साहब उससे सिर्फ 2 साल सीनियर थे और जावेद इकबाल, राणा उस्मान जैसे बड़े लोग पढ़ाई की वजह से नायक हो, इनको मैं आज भी अपना साथ मानता हूं। हालांकि 2 साल का फर्क था और अशर साहब ने, जावेद साहब ने, राणा सुभाष साहब ने जिस तरह मोहब्बतें हमें अपने जूनियर्स को देते रहे, यकीन जानिएगा आज कल के गैर गुजरे दौर में मुझे ये सुनते आज मजबूत नजर आती है। असाजा इकराम के और तलबा के दरमियान गैप पैदा होता चला जा रहा है, उसकी वजह डेफिनेटली सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल और हमारी बशर की रवायात जो है, इस्लामी रवायात जो है, उनका हमारे माशरे से जो है ना वो कमजोरी होती है। आज भी जनाबे मियां शाह अहमद साहब, जनाबे अशर कोह साहब, जनाब शाह खान साहब, जनाब अदरी साहब, जनाब साहिद अब्बास साहब पर डिग्री इंटरव्यू कॉल का जरिया हुआ करती है, सर पीसा पेपर है। असल काम जो है वो आपको अदारा बनाता है, तरबियत करके बनाता है और ये काम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सगोरा ने जो है वो करके दिखाया है कि आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सगोरा के स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान भर में और बैन अवी तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मेरा नेटिव सिटी लाहौर है, मैं लाहौर का रहने वाला हूं, लेकिन मैं यहां अपने मामू के पास अडॉप्टेड था, उनके पास रहा, मेरा मैट्रिक सकोला से हुआ, ग्रेजुएशन जहां 4 साल में पढ़ा और मैं फखर से अपने आप को इस्तकलाली और सकोला वाला रहता हूं। हालांकि मैं लाहौर का रहने वाला हूं, लाहौर मेरा नेटिव सिटी है, हमारी फैमिली 5 सदियों से लाहौर में मुकीम है। तो लाहौर चैप्टर सच्चाइयों के साथ।